हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एक नए पेपर की। ये पेपर है प्रोफेसर हैंसलर, डॉक्टर फ्लोरियन और डॉक्टर एलन रोमर का। जुलाई 2021 में पब्लिश हुआ है और पेपर है ये STMT2 के बारे में। तो इस पेपर में ऑथर्स लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को हम डिफाइन करते हैं द डिग्री टू विच टू मेजर्स डिजाइन टू मेजर द सिमिलर थिंग्स बट कंसेप्चुअली डिफरेंट जो कंस्ट्रक्ट हैं उनको चेक करता है। ये दो कंस्ट्रक्ट के बीच में, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फेक्शन, तो ऑब्वियसली एक ही नॉमोलॉजिकल नेटवर्क के अंदर है ये क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, पर दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इनको चेक करने के लिए कई अप्रोचेज हैं। कंस्टेंट फाई अप्रोच है, फॉर्नर लेकर क्राइटेरिया, कंपेरिजन ऑफ क्रॉस लोडिंग। फिर 2015 में प्रोफेसर हैंसलर ने दिया STMT, हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट। इसका क्या मतलब है? ये जो क्वालिटी की छह स्टेटमेंट हैं, इनका आपस में हर एक से हम कोरिलेशन निकाल लेंगे, उनका मीन कोरिलेशन निकाल लेंगे। इसी तरह सेटिस्फेक्शन की चार स्टेटमेंट, हर एक से कोरिलेशन निकालिए, उनका मीन कोरिलेशन निकालिए, ये कहलाता है मोनोट्रेट। ये भी मोनोट्रेट। और हेट्रोट्रेट का मतलब है इन छह का, इन चार से हर एक से कोरिलेशन निकालिए, उनका एवरेज ले लीजिए। सो STMT का फॉर्मूला हेट्रोट्रेट यानी जो क्रॉस कोरिलेशन है वो डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टू मोनोट्रेट, इसको बोलते हैं STMT। तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। STMT अज्यूम करता है टाउ इक्विलेंस। टाउ इक्विलेंस का क्या मतलब है? ये जो अलग अलग वैल्यू जाएंगी, यहाँ पे फैक्टर लोडिंग आती है, टाउ इक्विलेंस का मतलब है ये सारी इक्वल है। तो अब ये तो होते नहीं है इक्वल, तो ठीक है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट है तो बहुत सिमिलर, बहुत पास आएंगी, पर एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएंगी जो STMT का एक बेसिक अजम्पशन है। इसीलिए STMT2 आ गया। तो STMT2 में इनका ये कहना है कि हम प्रपोज करते हैं कि आप जो अर्थमेटिक मीन लेते हैं ना, वो ना लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए, बाकी फॉर्मूला सेम है, बाकी बिल्कुल सेम का सेम फॉर्मूला है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन में एक इशू रहेगा, क्योंकि हमें nth रूट लेना होता है, जैसे अंडर रूट समझिए, तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो रिमेंबर अंडर रूट निकलता नहीं है, वो एक इसमें इशू है। सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी अगर आपकी रिवर्स कोडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप वो कर लीजिए रिवर्स कोडिंग को। तो टाउ इक्विलेंस बोलता है ये सारी इक्वल हो, जो कि नहीं होती है। तो इन्होंने बताया कि देखो ये फॉर्मूला, प्रीवियस फॉर्मूला ये था कि जो हेट्रोट्रेट है उन सब का अर्थमेटिक मीन लीजिए, अंडर रूट ऑफ ये अर्थमेटिक मीन, मोनोट्रेट फर्स्ट मोनोट्रेट सेकेंड, इन दोनों का लीजिए। और अब जो चेंज कर दिया है ऑथर्स ने, ये टाउ इक्विलेंस का डेफिनेशन है, अब जो चेंज कर दिया है इन्होंने कहा ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए, इनका ज्योमेट्रिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन, दैट बिकम्स STMT2। तो बहुत ही सिंपल। हाँ, इसके भी अपने कुछ प्लस माइनस हैं। इसका प्लस माइनस ये है कि ये इसमें भी थोड़ा सा बायसनेस मिला, बायसनेस मिला हमारा स्मॉल सैंपल पे। तो अगर हमारे पास डाटा है 100 से कम तो यूज करें STMT। ये देख लें कहाँ लिखा हुआ इन्होंने बात, इन्होंने कही है ये बात कि 100 से नीचे में थोड़ा सा इशू मिला इन्हें STMT2। जैसे कि मैं मोमेंट टू चेक मोंटे कार्लो सिमुलेशन किया, आजकल डाटा कलेक्ट नहीं करते, ये सिंपल सिमुलेशन बेस ही काम कर लेते हैं जी। विद रिगार्ड टू सैंपल साइज, STMT2 बायस जो है लार्जर सैंपल में तो बहुत ही शानदार है, स्मॉल सैंपल में वहां थोड़ा सा बायसनेस है। तो अगर आपका लार्ज सैंपल है 100 से ज्यादा तो STMT2 रिकमेंडेड है, छोटे पे STMT, सिंपल STMT पे काम करें। आइए देखें करेंगे कैसे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, मेरे पास दो ही लिए मैंने, कॉम्प्लेक्स मॉडल भी हो सकता था पर यहाँ समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। कैलकुलेट PLS स्टार्ट, तो नीचे जो बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें आता है इंडिकेटर डाटा, इसमें हर एक से कोरिलेशन है, क्वालिटी वन का क्वालिटी टू से एंड सो ऑन। सो कॉपी एक्सेल, तो अपनी एक्सेल में ले चले। यहां मैंने ये वही फाइल है मैनुअल कैलकुलेशन, इसमें STMT1 भी समझाया था। अब हम बात करते हैं, यहां पे आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें से ना मुझे वन को डिलीट करना होगा। मैं फाइंड एंड रिप्लेस से वन करके देख रहा था तो 135 का भी इसने वन हटा दिया, तो एक बार मैनुअल कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वालिटी की कौन कौन सी स्टेटमेंट हैं, ये क्वालिटी के स्टेटमेंट्स हैं, और सेटिस्फेक्शन की स्टेटमेंट्स ये वाली सेटिस्फेक्शन है। अब आप एक चीज ये देखिए
कि जब भी कभी हम ये बोले ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, फोर और फाइव इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इज इक्वल टू पहले दो को मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका इज इक्वल टू दिस नंबर कैप जो इनके नंबर ऑफ आइटम्स है 1/2, इसको nth रूट बोलते हैं ना, तो अंडर रूट स्क्वेयर रूट तो यही हो जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता था दो में दो, दिस इंटू दिस, ये तो वही आ गया। लेकिन अगर तीन नंबर हो चार नंबर हो फिर क्या करेंगे, तो 6, 7, तो सबसे पहले तो इन चार को मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, और इस चीज का कितना रूट करेंगे, गेस कर सकते हैं कितना रूट करेंगे, कितने नंबर ऑफ आइटम है, चार है ना, तो रेज टू पावर 1/4, तो ये हमारा आ गया 5.3। अब एक रूल है स्टेटिस्टिक्स में कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और ऐसा भी हो सकता है मीन इज लेस देन मीडियन एंड लेस देन मोड, यानी जो हमारा मीडियन होता है वो एक बेहतर इंडिकेटर होता है क्योंकि वो इन दोनों के बीच में आता है, मीन और मोड के, कोई एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है पर ये दोनों के बीच में आता है। इसी तरह से मीन जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, या ऐसा हो सकता है मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर इन छह की बात करें ना, पांच ही हुए एक्चुअली, तीन और दो पांच, ज्योमेट्रिक मीन इज कंसिडर्ड द बेस्ट एवरेज, एवरेज में पांच होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेहतर होता है, वो इनके बीच में आता है, थोड़ा बायसनेस नहीं रहता। हाँ, लिमिटेशन एक है, ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ उनका निकाल सकते हैं जब सारे नंबर पॉजिटिव हों। तो एक बार हम देख लेते हैं होमोट्रेट हमने कैसे निकाला था, फिर हम देखते हैं हेट्रोट्रेट कैसे निकालते हैं। तो क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी इंटू सेटिस्फेक्शन, देखिए यहां तो हमने सिंपल किया था कि इनका एवरेज ले लीजिए, इन सबका एवरेज, ये नंबर मैंने दो बार ले लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज में उतना ही आ जाएगा। और एवरेज सेटिस्फेक्शन का और एवरेज इन सब का, क्रॉस का, ये क्रॉस है यहां ले लो है यहां, डजंट मैटर। और एचटीएमटी हमारा है इज इक्वल टू क्रॉस वाला डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस इनटू दिस, ये हमारा एसटीएमटी है 4958 या 496 के करीब। तो चेक कर लें हमारा ये कितना बता रहा है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एसटीएमटी 496 आ रहा है, ठीक है, और इंक्रीज द नंबर 4956, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ एसटीएमटी, तो एसटीएमटी 2 कैसे निकालेंगे, ये दो स्टेप में निकालेंगे हम, कैसे, फर्स्ट तो मैं सिर्फ ऊपर वाले ही नंबर ले लेता हूँ ताकि कम करना पड़े, इसमें हमें मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है पर थोड़ा सा लंबा है। और ये भी गिनते जाइएगा कि नंबर कितने हो गए, खैर मैं इसके लिए एक एक्सेल की चीज यूज करूंगा। ये तो हो गया क्वालिटी का, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, नंबर कितने हैं ये, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 1, 15, तो ये 15 नंबर है, ओके। इसी तरह से हम करेंगे सेटिस्फेक्शन का, सेटिस्फेक्शन के थोड़े कम हैं, 3, 5 और 1, 6, ये नंबर है 6, और क्रॉस वाले तो बहुत ज़्यादा है, 24 होंगे शायद ये, सो गिव मी अ मिनट, फिर हम इन सबके कर देंगे nth रूट और उनका सेम फार्मूला है रेशो। तो सिंपली जो चीज़ ये की है कि अर्थमेटिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन कर लीजिए, दैट्स इट, और ये है 24। आइए इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें, सो ज्योमेट्रिक मीन है दिस नंबर कैप 1/दिस नंबर, सो ये आ गया पहला, दूसरा और तीसरा, और हमारा एसटीएमटी 2 हमारा बन गया इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये वही है, दिस इनटू दिस, तो आ गया 449। तो इनका कहना है कि जितना हम लार्जर सैंपल पे जाते हैं एसटीएमटी 2 में बायसनेस नहीं होगा, और लार्जर सैंपल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चेक करें, ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं एसटीएमटी में, ये सारी वैल्यू बिल्कुल क्लोज है, ऑलमोस्ट सेम है, अजम्पशन तो ये है। अब देखिए 5 है और ये 9 है, तो यहाँ एसटीएमटी 2 में ना थोड़ा गड़बड़ रहेगी, पर एसटीएमटी 2 में कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, एसटीएमटी खाली एसटीएमटी में गड़बड़ रहेगी,
क्योंकि ये हमारा था टाउ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला जिसको हम इसमें कर सकते हैं। तो अभी तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे एक्सेल में सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है कि कैसे होगा, लेकिन अगर आर स्टूडियो में करते हैं तो वहाँ तो सिंपल फार्मूला है, आप सिंपल रेंज देंगे और ज्योमेट्रिक मीन आपको डायरेक्ट निकाल के दे देगा। आर में करेंगे तो बहुत ही फास्ट है, अदरवाइज एक्सेल में भी उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट STMT। बाकी आप एक बार पेपर देख लीजिएगा, ये पेपर पब्लिश हुआ है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड डाटा सिस्टम्स, इसमें जुलाई 2021 के अंदर। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।